नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आ रहे हैं यहाँ पे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हर एक बच्चे का जो और पेरेंट्स की ड्रीम्स होता है कि उसको MBBS करना है, लेकिन कहाँ से। तो सबसे पहला जो ड्रीम कंट्री रहता है हर एक बच्चे के माइंड में वो रहता है USA, या तो फिर अदर कंट्रीज होती है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे UK, कैनेडा, न्यूजीलैंड, लाइक दैट कंट्री। लेकिन वहाँ पे जाने का प्रॉपर वे किसी को भी पता नहीं होता है, तो इसकी वजह से कई बार कुछ लोग उनको ठग जाते हैं। तो आज हम लोग उसी बात पे बात करेंगे कि MBBS अगर आपको USA से करना है, आज पर्टिकुलर बात करेंगे हम लोग USA के बारे में। अगर USA की बात करेंगे हम लोग तो USA के अंदर जो एंट्री पाथ अवेलेबल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अलग अलग वे से आप US में जाके डॉक्टर बन सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट रास्ते जो वहाँ पे अवेलेबल है, डिफरेंट तरीके अवेलेबल है, लेकिन कौन सा तरीका कौन से टाइम को यूटिलाइज करना है उसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे पर्टिकुलर, पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि US का एजुकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ द US मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले जब जिस भी कंट्री की बात करते हैं, हम डिफरेंट वेज की आज बात नहीं करेंगे वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम पहले समझेंगे कि US का मेडिकल एजुकेशन किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से वहाँ पे आपको MBBS में एडमिशन मिलता है और किस तरह से आप वहाँ पे लाइसेंस डॉक्टर बन सकते हो। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप USA या कनाडा के नागरिक हो और अगर आपको MBBS करना है, वहाँ से डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहला तो ये जान लेना ज़रूरी है कि वहाँ का जो डॉक्टर का जर्नी है वो करीबन 11 ईयर्स का जर्नी है फॉर बिकमिंग कम्प्लीट डॉक्टर हो जाए। सो ये सबसे पहले आपके दिमाग में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको कि आपको 11 साल तक की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अगर हम जब लोग 11 साल की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ आएगी कि इंडिया के अंदर अगर डॉक्टर बनना है तो 4.5 साल में हो जा रहा है, तो 11 साल में ऐसा तो क्या स्पेशल चीज़ है। तो सबसे पहली आपको जानकारी दे दूँ कि अपना जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो 10+2 का है, वहाँ पर 10+3 का है। 18 ईयर्स की एज होती है, वहाँ तक 13 ईयर्स का आपका कंप्लीट स्टडी कंप्लीट होना चाहिए। वो स्टडी करने के बाद इंडिया के अंदर MBBS को प्राइमरी डिग्री वैलिड गिना जाता है। MBBS करने के बाद कोई भी बंदा प्रैक्टिस कर सकता है। US के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द MBBS आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको MD कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि PG कंप्लीट करना पड़ता है। तो अप टू द PG अगर आप काउंट करेंगे तो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि 11 ईयर्स के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे अपने वहाँ पे 12th का स्टडी करने के बाद नीट का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही USA के अंदर एग्ज़ाम लिया जाता है, उसको बोलते हैं MCAT, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। MCAT का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे AAMC बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जैसे अपने वहाँ पे नीट का एग्ज़ाम NDA द्वारा कंडक्ट होता है। और MCAT का जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहता है 7 घंटा और 30 मिनट्स होता है, विद फ्यू ब्रेक्स होता है, 30 मिनट्स का बीच में ब्रेक होता है, उसके हिसाब से 7 घंटे और 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। पूरे साल में आप मैक्सिमम 3 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हो और पूरी लाइफ में आप मैक्सिमम 7 टाइम आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम पूरे साल में कंडक्ट होता है और एग्जामिनेशन का 3 टाइप का डेट मॉड्यूल रहता है। जो 3 टाइप का जो डेट मॉड्यूल रहता है, जिसको उन लोगों ने जो असाइन किया हुआ है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, 3 लेवल से आप एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर गोल्ड मॉड्यूल के हिसाब से आप एग्ज़ाम ले रहे डेट लेने जा रहे हो तो गोल्ड के हिसाब से आपको मैक्सिमम 29 डेज से पहले आपको एग्ज़ाम का डेट लेना पड़ेगा। अगर आप सिल्वर के हिसाब से जा रहे हो तो 15 दिन से पहले आपको एग्ज़ाम का डेट लेना पड़ेगा, और अगर ब्रॉन्ज के हिसाब से आप जा रहे हो तो 8 दिन से पहले लेना पड़ेगा। गोल्ड के अंदर जो फीस रहेगा $530 रहेगा, सिल्वर के अंदर $595 आपको पे करना पड़ेगा, और ब्रॉन्ज मॉडल की अगर बात करें तो $490 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंस आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जहाँ पे ब्रॉन्ज मॉडल है वहाँ पे आप डेट सेंटर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते डेट लेने के बाद। बाकी दोनों मॉड्यूल के अंदर आपको जो चेंजेस करना है आप कर सकते हो इन बिटवीन टाइम। MCAT का एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी बच्चा वहाँ पे MBBS दैट मीन्स की MD जो ब्रांच होती है वहाँ पे एडमिशन वो ले सकता है, या तो फिर वहाँ पे वो ऑस्टियोपैथिक करके एक ब्रांच है, जैसे अपने वहाँ पे आयुर्वेदा और होम्योपैथी का अलग से ब्रांच रहता है, वैसे US के अंदर भी एक खुद का एक एडिशनल डिवीज़न है जो उनकी मान्यता थोड़ी एलोपैथी से अलग है, तो वो ब्रांच के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। पहले उसके अंदर बहुत कम बच्चे जाते थे, लेकिन फिलहाल सिनेरियो ऐसा है कि हर 4 बच्चे में से एक बंदा ऑस्टियोपैथिक के अंदर जाता है। उसके अलावा वेटरनरी और डेंटिस्ट्री का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है यही एग्ज़ाम के बेस पे। तो
ये कंप्लीट एग्जाम होने के बाद जैसे अपने वहाँ पे आपको काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लाइक दैट आपको एएमसी के अंदर या फिर ऑर्थोपेडिक काउंसिल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बेस पे, मेरिट बेस पे आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। अगर हम लोग सक्सेस रेट की बात करेंगे तो 2018 का हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से करीबन 50,000 से ऊपर बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 21,000 के आसपास एक्सेप्टेड हुए थे और एनरोल हुए थे 20,000 जितने बच्चे। दैट मीन्स कि अगर रिजल्ट का वेरिएशन देखेंगे 40% के आसपास का रिजल्ट, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल अपने इंडिया के हिसाब से इक्वली मान सकते हैं हम इसको। जनरली एमकेट के एग्ज़ाम के बाद बच्चे का जो पढ़ाई मॉड्यूल शुरू होता है मेडिकल स्कूल के अंदर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई रहती है वो बेसिक साइंस के रिगार्डिंग पढ़ाई होती है। बेसिक साइंस की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बच्चा जो होता है, जैसे इंडिया के अंदर हम लोग एमसीआई बॉडी बोलते हैं, वहाँ पे यूएस के अंदर दो अलग अलग बॉडी काम करती है, एक है ECFMG एंड दूसरा है NBME। जो यूएस के स्टूडेंट है उनको रजिस्ट्रेशन जो करवाना रहता है NBME बोर्ड के अंदर करवाना रहता है, और जो अब्रॉड के स्टूडेंट है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ECFMG के अंदर। तो ये कंप्लीट होने के बाद, NBME रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद, बच्चा USMLE स्टेप वन का एग्ज़ाम देगा, और स्टेप वन के एग्ज़ाम में कौन कौन से कंटेंट पूछे जाएंगे वो यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि USMLE इट्स अ वेरी हार्ड एग्ज़ाम। डेफिनेटली हार्ड एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि आपने उसको कभी स्टडी नहीं किया है। USMLE स्टेप वन के एग्ज़ाम में वही सब्जेक्ट लिए जाते हैं जो हमने दिखाया है, जो कि आपको यहाँ पे भी इंडिया में अगर आप MBBS में पढ़ाई कर रहे हो या अब्रॉड में दूसरी कोई कंट्री में कर रहे हो, वहाँ पे पहले 2 साल में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। स्टेप वन की जो एग्ज़ाम होती है वो 1 डे की एग्ज़ाम होती है, 60 मिनट्स का एक ब्लॉक होता है, 8 आवर्स का टेस्टिंग सेशन होता है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है 280 जितना क्वेश्चन होता है वहाँ पे। तो स्टेप वन की एग्ज़ाम कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट इवन इंडिया में पढ़ाई किया हुआ है, इवन अब्रॉड में पढ़ाई किया हुआ है, US का स्टूडेंट तो देने ही वाला है क्योंकि इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर देयर मेडिकल। लेकिन इंडिया और अब्रॉड के स्टूडेंट को ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए उसका रास्ता पता नहीं होता है उनको। रीज़न क्या है कि स्टेप वन के एग्ज़ाम के अंदर आपका जो क्वालिफाइड मार्क्स होता है वो क्वालिफाइड मार्क्स, और अगर आपका फेलियर मार्क्स है वो दोनों के बीच में अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 190 इट्स अ क्वालिफाइड मार्क्स, 240 आपका कंपलसरी चाहिए आपको। मीन्स हर साल वो वेरिएशन होता है कि कई बार 230 पे भी क्लोज हो जाता है, कई बार 220 पे क्लोज होता है। लास्ट ईयर का अगर हम लोग एवरेज काउंट करेंगे 230 पे क्लोज हुआ था, तो 190 और 230 के बीच में अगर आपका स्कोर आ जाता है तो 7 साल के लिए आपका रिजल्ट ब्लॉक हो जाता है अगर आप क्वालिफाइड हो रहे हो। तो उसी लिए ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्वालिफाइड हो पाओ, उसके लिए प्रॉपरली वेल प्लान आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कैसे देना रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। स्टेप वन के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद और 2 साल मेडिकल के अंदर बेसिक साइंस कंप्लीट होने के बाद बच्चे का स्टडी जो होता है वो 3rd ईयर के अंदर शुरू हो जाता है, जहाँ पर मेडिकल के रिगार्डिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं, जो कि मेजोरिटी सब्जेक्ट जो रहते हैं 3rd ईयर के अंदर वो क्लिनिकल के बेस पे रहते हैं। उसके बाद 3rd ईयर के बाद जो एग्ज़ाम होती है वो स्टेप 2 CK दिया जाता है। स्टेप 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 CK दैट मीन्स क्लिनिकल नॉलेज एंड 2 CS दैट मीन्स क्लिनिकल स्किल। 2 CK का जो एग्ज़ाम रहता है 1 डे का एग्ज़ाम होता है, 60 मिनट्स का ब्लॉक होता है, 9 आवर्स का टेस्टिंग सेशन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 14 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स रहती है 318 होती है, एंड जो मिनिमम अलॉटमेंट ऑफ ब्रेक टाइम जो रहता है 45 मिनट्स का होता है, और 50 मिनट्स का छोटा ब्रेक भी होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 CS का एग्ज़ाम होता है क्लिनिकल स्किल। यहाँ पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, 2 CS का एग्ज़ाम जो रहता है पूरा डिफरेंट एग्ज़ाम रहता है, इट्स अ कम्प्लीटली ऑन द प्रैक्टिकल बेस। 2 CS के एग्ज़ाम में क्या होता है, 12 रूम के अंदर 12 पेशेंट होते हैं, कई बार पेशेंट की जगह पे सिमुलेशन यूनिट भी रहता है, कई बार वहाँ पे अंदर रूम के अंदर आप एंटर करेंगे तो एक टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट भी रखा होता है, जिसके अंदर एक ही बटन आपको प्रेस करना होता है, येलो कलर का जो बटन होता है, उससे कॉल लगता है, उससे कॉल कट होता है। वहाँ पे जाके आपको हर एक पेशेंट को एनकाउंटर करना होता है 15 मिनट तक, 15 मिनट के बाद 10 मिनट का आपको एक पेशेंट नोट लिखने का टाइम मिलता है। 2 CS का जो एग्ज़ाम होता है वो पर्टिकुलर वहाँ पे जो डिसाइड किए सेंटर होते हैं उसके ऊपर एग्ज़ाम लिया जाता है। जो टेस्ट सेंटर का जो लिस्ट है वो आपको ये वेबसाइट जो हम लोग नीचे दिखा रहे हैं उसके ऊपर से आपको मिल सकता है। दूसरी बात, 2 CS के बाद जो मेन चीज़ 2 CS में जो रिक्वायरमेंट रहती है वो क्लिनिकल रोटेशन आपने किया होना ज़रूरी है, तभी जाके आप वहाँ पर 2 CS को क्वालिफाइड कर पाएंगे। यहाँ पे एक देखने ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो बच्चा यहाँ पे USMLE क्लियर कर लेता है, मीन्स कि 3rd ईयर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जिसको ऑस्थोपेडिक के अंदर जाना है वो बच्चा वहाँ पे उसकी पर्टिकुलर अलग से एग्ज़ाम ली जाती है।
जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स यूएसए लेवल टू सीई एंड कॉम्प्लेक्स लेवल यूएसए लेवल टू सी पीई, ये दोनों एग्जाम उसको क्वालिफाइड करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाता है। एक अच्छा यूएसएमएलई जो स्टूडेंट है वो यूएसएमएलई क्लियर कर लेता है, उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो है एनआरएमपी, नेशनल रेसिडेंस मैचिंग प्रोग्राम, जिसके बेस पे आपका पूरा लाइफ डिपेंड होता है मेडिकल फील्ड का, जहाँ से आपको आपकी फील्ड चूज करने का चांस मिलता है। यहाँ पे हर एक चीज़ ध्यान में रखनी जाती है, इवन आपने यूएसएमएलई स्टेप वन के अंदर एक से ज़्यादा अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाइड किया है या स्टेप टू एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में क्वालिफाइड किया है, तो कुछ कुछ ब्रांच आपको नहीं भी मिल सकती है। तो इट्स बेस्ड ऑन योर यूएसएमएलई स्टेप वन एंड स्टेप टू परफॉर्मेंस, यू विल गेट द ब्रांच अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंग टू योर एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द डॉक्टर्स। क्योंकि देखो, बच्चा जो यूएस में पढ़ाई करता है वहाँ पर उसका डॉक्टर उसको रिकमेंड करेगा, और यूएस के अंदर सिस्टम वो है, आप इंडियन स्टूडेंट हो, आपके लिए पूरा प्रोसेस अलग आएगा, उसका अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपके पास इंडियन डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन लेटर रहेगा, यूएस के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यूएस के डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेटर रहेगा। तो बेस्ड ऑन द एलओआर, एलओआर का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे, ऑन दैट एलओआर यू विल गेट द योर ब्रांच फॉर द एमडी लेवल। एक बार जैसे ही आपका एनआरएमपी के अंदर मैचिंग हो जाता है, उसके बाद मैचिंग डे सेलिब्रेशन होता है पूरे यूएस के अंदर एक ही पर्टिकुलर डे के ऊपर। वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ERS, ERAS बोलते हैं, ERAS दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक रेसिडेंस एप्लीकेशन सर्विसेज, जहाँ पे आपको आपको एक आईडी प्रोवाइड किया जाता है जो कि AMC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फाइनल ईयर के बाद आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका फाइनल एग्ज़ाम रहता है स्टेप थ्री का एग्ज़ाम। स्टेप थ्री का एग्ज़ाम 2 दिन के अंदर लिया जाता है, फर्स्ट डे जो होता है 7 डेज का एग्ज़ाम रहता है, और सेकेंड डे जो है वो 9 आवर्स का एग्ज़ाम रहता है। फर्स्ट डे के अंदर 7 आवर्स, सेकेंड डे के अंदर 9 आवर्स का एग्ज़ाम रहता है। और ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो एकदम ब्रीफिंग मीन्स डिटेलिंग में बात नहीं कर रहे हैं, इसके डिटेलिंग के लिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे आगे जाके, जैसे स्टेप वन क्या रहेगा, स्टेप टू क्या रहेगा और स्टेप थ्री क्या रहेगा। तो हर एक लाइसेंस लेवल का अलग अलग एक वीडियो होगा हमारा, ये जस्ट हम लोग अभी प्रिस्क्राइब कर मीन्स थोड़ा डिटेलिंग बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा आ जाए। जैसे ही आपका यूएसएमएलई स्टेप थ्री कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो आपके स्टेट ट्रेनिंग लाइसेंस के लिए। स्टेट ट्रेनिंग लाइसेंस कंप्लीट होने के बाद, स्टेट ट्रेनिंग लाइसेंस में क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेट वाइज आपको परमिशन दी जाती है, हर एक स्टेट में आप जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट के लिए या खुद से बिजनेस करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे एक बार आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप खुद को एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इवन खुद का अगर आप बिजनेस, खुद का इंडिपेंडेंट क्लिनिक शुरू करना चाहते हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आप अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए भी स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ हम लोग आप यहाँ पर बनाना भूल गए कि स्टेप वन और स्टेप टू जो लिया जाता है वो NVME और USMLE या CFMG के द्वारा लिया जाता है, लेकिन स्टेज थ्री की हम लोग बात करेंगे, यूएसएमई स्टेप थ्री की बात करेंगे, तो वो FSMB के द्वारा लिया जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड, जो कि वो बोर्ड है जो आपका लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो वो पूरा अलग बॉडी है, NVME एंड CFMG दोनों अलग बॉडी है। यूएसएमई एग्ज़ाम एक है, 3 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन कितनी बॉडी अंदर रोल प्ले कर रही है, टोटली 3 बॉडी है, NVME, CFMG एंड FSMB। आज के वीडियो के अंदर जो हमने बात किया हुआ है, ऑलमोस्ट ये बातें हमने जो यूएस के स्टूडेंट या कैनेडियन स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बात की, ये अपने इंडियन स्टूडेंट के लिए लागू नहीं होता है, उसके लिए पूरा अलग पाथ रहता है, डिफरेंट पाथ अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो हमारा ये दिए गए नंबर है, वो दोनों नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एवन हमारा जो वेबसाइट है www.softtown.org, उस पर ऊपर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।